हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ग्रीन चिकन बिरयानी, जो बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, जो बहुत टेस्टी है। और बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार होती है। चिकन बिरयानी के लिए मैंने ऑनियन फ्राई करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने 1/2 कप ऑयल ली है और मैंने 6 और 5 मीडियम साइज ऑनियन को स्लाइस कर ली हूँ। इसको अच्छी तरह से स्लाइस करें। इसमें नमक डाल दें, ताकि नमक डालने से ऑनियन जल्दी गल जाती है। जब अनियन हल्का सा फ्राई हो जाए, उसमें फ्रेश मिंट लूस ऐड करें। और इसको भी अच्छी तरह से भून लें, जिससे मिंट से तो हमेशा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए, मैंने ऑनियन और मिंट को अच्छी तरह से सोटे कर लिया है और उसी में 3 टेबल स्पून भर के ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करें। ये तीखा नहीं है, अगर आपके मिर्च तीखी है तो आप थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 3 चम्मच भर के ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ किया है। और उसी में 3 टेबल स्पून कोरिएंडर पेस्ट ऐड करें। और इसको भी अच्छी तरह से भून लें। और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लें। और मैंने 4 टेबल स्पून कर्ड ऐड की है। कर्ड के साथ इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लें, इनमें से कच्ची स्मेल सारी चली जाए। और उसी में 1 लेमन जूस ऐड कर दें। आप चाहे तो दही ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसको इस टाइम पे ऐड कर दें। और इन मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक भून लें। देखिए, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है। और मैंने दूसरी तरफ 4 कप चावल को अच्छी तरह से वॉश करके भिगो लिया था 1 आवर के लिए, और उसको कुक कर लेंगे। और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून साल्ट ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और चिकन में 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करें।
गरम मसाला पाउडर लास्ट में ऐड करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, फ्रेश फ्लेवर आता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन 70% ऑलरेडी कुक हो चुका है, इसको और थोड़ा कुक करना है। देखिए चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, इसकी फ्लेम को लो कर दें। जब तक हमारा राइस पक न जाए तब तक हम 3 मीडियम साइज टोमेटोस, अगर आपके टोमेटोस छोटे होंगे तो आप 4 लें, इसको अच्छी तरह से मोटा मोटा कट कर लें क्योंकि हमें टोमेटोस को लास्ट में ऐड करना है। हॉफ इसी में डाल दें लास्ट में। थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ज़्यादा कुक ना हो, और बाकी हॉफ जो बचे हैं वो ऊपर राइस पर डाल दें। देखिए हमें ऊपर से राइस भी ऐड कर दी है और उसके ऊपर टोमेटोस ऐड करें। थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि टोमेटोस अच्छी तरह से बिरयानी में दम हो जाए, और ऊपर से 6 or 7 टीस्पून घी ऐड कर दें और इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रख दें। देखिए बिरयानी इज़ रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।